हेलो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना और उसी उम्मीद के साथ आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज तक नहीं किया फिर वही टाइम हो चुका है कल का रात्रि के दो बज चुके हैं लगभग और मेरे को इसी समय फुर्सत मिलता है सीरीज का रिकॉर्ड करने का सेवेंटी नंबर क्लास है ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रपोशनल एरिंग समानुपात क्या सीखेंगे इसमें दुया, जो दूसरे नंबर पर पद होता है द्वितीय समानुपाति निकालना सीखेंगे ठीक है सेकंड प्रपोशनल ये सारी इसकी कहानी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऐसे छात्र जो सीरियसली सीखना चाहते हैं इसका इस स्क्रीन शॉट ले लें ले और ये बैच जरूर ज्वाइन कर लें इसके अलावा एक दिसंबर से एक बैच आ रहा है जिसका नाम है एनसीआर टी बैच अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं तो नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे ये पहला समानुपाति की याद करना मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूं जिसमें पहला वाला पद अगर गायब है चारों में से तो कैसे निकालते हैं बताया हूं आज मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा वाला पद अगर गायब है तो कैसे निकालेंगे जैसे सवाल में देखिए ट्वेल्व है 12 है, B है और एट है, है ऐसा कुछ है दिख रहा है आपको कह रहा है कि इसमें जो आ, पी का वैल्यू है वो क्या होगा आपको पता है कि ए की जगह पर है बी और सी डी ऐसे है ना ये भी आपको पता है कि बी वाला निकालना है तो बी बराबर होता है क्या मेरे भाई ए डी सी यही होता है तुम्हें सबको पता है ए डी ए की जगह पर बारह है डी की जगह पर आठ है तो बारह गुड़े आठ और सी की जगह पर क्या है सी की जगह पर है फोर्टी एट तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है कि बारह चौकअतालीस चार से काटोगे दो यानी दो आएगा वैसे भी गुड़ा कर लेते हैं बारह छानवे और अड़तालीस दोनों छानवे होता है तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया दो आ गया कितना आसान है ना द्वितीय समानुपाती निकालना है प्यारे सब में सेकंड वाला पद गायब होगा उसी को आपको निकालना होगा ठीक है चलो इसमें बता दो पांच नंबर में देखो ये ट्वेंटी है जेड है और ये पचास है और फिर 50 के बदियम का है पांच है। क्या है वो क्या ना? इसमें कैसे करोगे जरा देखना जेड बराबर निकालोगे आपको पता है कि ए और डी का गुड़ा होता है यानी बीस और पांच का गुड़ा होगा बीस से भाग होता है यानी पचास से जेड बराबर पच्चीस सौ और पचास सौ यानी दो आएगा है ना कोई डाउट ना इसमें किसी को नहीं कोई दिक्कत नहीं चलिए अगला क्या कहता है कह रहा है कि सत्तर टी और समानुपात है फिर इक्कीस है फिर तीन है तो टी का मान ज्ञात करना है टी बराबर आपको पता है ए और डी का गुणा होता है एक की जगह पर सत्तर है डी की जगह पर तीन है भाग करते हैं सी से यानी इक्कीस से तो ये कितना आएगा कर लो भैया ये 210 दो सौ दस आएगा काट दोगे तो दस आएगा फाइनल में या ऐसे भी काट लो आप सात दाम सत्तर ये सात त्री का तीन, तीन कैंसिल हो जाएगा फाइनल में दस आएगा का वैल्यू इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट आइए आगे देखना क्या कह रहा है ये भैया अगला वाला नेक्स्ट कह रहा है कि फोर पी ट्वेल्व सिक्स है तो पी का मान ज्ञात कीजिए कैसे करेंगे समझना अच्छे से समझना पी इक्वल क्या करोगे देखो ए और डी का गुणा होगा ए की जगह पर फोर है डी की जगह पर सिक्स है तो मेरे भाई फोर इंटू सिक्स सी से भाग होगा सी की जगह पर ट्वेल है सूत्र नहीं जो समझ रहे हो क्या फार्मूला तो यही बनता है ना भैया ए डी बराबर बी सी अगर दो पद चार पद आपस में समान उपाती है तो ना बी बराबर निकालोगे तो क्या बनेगा ए डी बट सी बनेगा बोले यही बनेगा ना यही तो मैं रख रहा हूँ कुछ और थोड़ी रख रहा हूं बस हो गया चलो आगे बढ़ाओ इनको आप डिवाइड कर लो इनको चार संख चौबीस दो आएगा फाइनल में छे दूना बारह ये आपका हो गया छ कम छ दो फिर डिवाइड करो क्या आएगा ये दो फाइनल में दो आएगा किसी को किसी सवाल में कोई डाउट है तो मुझे बताओ नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ते रहो खटाखट बताओ आठ नंबर में क्या होगा और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप कितना बजे देख रहे हो जैसे मैं इसको रात के दो बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप कितना बजे से देख रहे हो मुझे बताना ये वीडियो हो या लाइव सेशन हो जैसे भी आप देख रहे हो इसको देखो लाइव भी चलता है ऐसा नहीं है कि लाइव नहीं होता जैसे मैं अभी कर रहा हूँ रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने का मतलब मैं अभी लाइव हूँ वर्तमान में ठीक है ऐसा नहीं कि लाइव नहीं होता है बट वो बाद में वीडियो बन जाता है ठीक है बराबर क्या होगा? गुड़ा नौ बटा दो वाई बराबर आ, दो तिचा तीन नवा सत्ताईस कितना आएगा सत्ताइस अच्छा बच्चों का भ्रम होता है कि अगर लाइव है तो नाम कह नहीं बोल रहे हैं किसी का है ना यार देखो नाम बोले तभी जानोगे लाइव है हर क्लास में मैं नाम नहीं बोलता हूँ तो जिनको लगता है ये तो वीडियो है भाई साहब वीडियो हरदी मसाला मिला के नहीं बनता है उसके लिए भी सारी एक्टिंग करना पड़ता है यहाँ आके झाल वाल के बाल वाल थोड़ा कंगी उंगी मार के आना पड़ता है ऐसे थोड़ा है रात के तीन बजे भी लाइव आते हैं तब भी थोड़ा मुंह धुलना पड़ता है क्योंकि तुम लोग देखते हो हम मान लो रात के दो बजे तीन बजे आ रहे हैं तुम सुबेरे आके देखोगे तो कहोगे ये बड़ा गंदीला आदमी समझा करो तो मेहनत हर जगह लगती है तो वैसे फिलहाल ये द्वितीय समानुपाति का ये जो पॉइंट था वो हो गया द एंड अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के तो लास्ट डेट सत्रह था इसमें सत्रह नवंबर एक बार पी वी आर स्टडी ऐप में जाके चेकआउट कर लेना इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अगर इसमें ऑफर दिख रहा है तो आप इनरोल कर लेना हो सकता है एक आ मिल जाए आपको ठीक है वैसे ही ऑफर खत्म हो गया नहीं तो अगली बैच काफी लंबा टाइम में आएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद कुछ भी कहना है कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया जिससे आप फ्री सीख पाओ बैठे